नेल्स मेहंदी के लिए अरक के अंदर मैदा फ्लोर को ही क्यों ऐड करते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह रहनी चाहिए। नेल्स मेहंदी के लिए अरक के अंदर अक्सर मैदा फ्लोर को ही ऐड करते हैं। इसका रीजन ये है कि मैदा फ्लोर में एक चिकताई लाइक स्टिकीनेस होता है। अगर हम चाहे तो इसके अंदर इसके रिप्लेस में व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैदा फ्लोर से बेस्ट रिजल्ट आएगा क्योंकि मैदा फ्लोर में चिकताई स्टिकीनेस रह के वो नेल्स पर लॉन्ग लास्टिंग तक नेल्स पर स्टिकी रहेगा। नेल्स मेहंदी कंप्लीट से सूख जाने के बाद भी वो इतना इजी से रिमूव नहीं होती, तो यही रीजन है कि हम उसके अंदर मैदा फ्लोर को ऐड करते हैं। तो मैदा फ्लोर को एक ही बार ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस तरह एक राउंड बॉल में मिक्स करते जाएं। कोई भी लम्स फॉर्म ना हो, इस तरह अच्छे से मिक्स करते रहें। तो याद रखें, थोड़ा थोड़ा मैदा फ्लोर को ऐड करें और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज रखें क्योंकि इसके अंदर हम आटे को ऐड करने की वजह से बस थोड़ी ही देर में ये सेट होके टाइट हो जाएगा। अगर हम ऐड करते वक्त ही ज़्यादा आटा यूज़ करेंगे और वो टाइट रह गया, थोड़ी देर के बाद वो और टाइट हो जाएगा। पहली बार नेल्स मेहंदी को प्रिपेयर करके मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा सा अरक को हम साइड में रखकर मिक्स कर लें क्योंकि अगर टाइट हो जाने के बाद हम उसके अंदर अरक को ऐड करके थोड़ा लूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये है नेल्स मेहंदी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी। पसंद आया या हेल्पफुल दिखा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।